तो संजय राउत को क्या लग रहा था कि वो अब आजाद हैं? वो ईडी के चंगुल से पूरी तरह निकल चुके हैं और संगीन आरोप लेकर खुली हवा में सांस लेना इतना आसान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब बॉम्बे हाईकोर्ट से जो खबर आ रही है उसने संजय राउत को कहीं का नहीं छोड़ा, और ये खबर संजय राउत के लिए जितना ज्यादा बड़ा झटका है उससे ज्यादा बड़ी खुशखबरी ईडी के लिए है। क्योंकि ईडी लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे भी संजय राउत को मिली जमानत रद्द हो जाए, और अब वो दिन आ गया है। कोर्ट ने तारीख का ऐलान कर दिया है। इस तारीख को संजय राउत को सबसे बड़ा झटका लगेगा। तो बड़ बोले संजय राउत की दोबारा जेल यात्रा शुरू होने वाली है। अब इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। और क्या संजय राउत को दोबारा जेल होनी चाहिए? इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या फैसला आना चाहिए? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो जब से संजय राउत जेल से बाहर निकले हैं, धमा चौकड़ी मचा रखी है। जैसे एक बंदर पिंजरे से निकलकर एक पेड़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे और चौथे, और न जाने कितने ही पेड़ों पर छलांग लगाता रहता है, ठीक उसी तरह संजय राउत भी हर मामले में खूब बयानबाजी कर रहे हैं। राज्यपाल का मामला हो, दिल्ली के श्रद्धा केस का मामला हो, प्रधानमंत्री से जुड़ा कोई मसला हो, या फिर छत्रपति शिवाजी और सावरकर से जुड़ा, राउत हर मामले में बेधड़क होकर मीडिया के सामने बोल रहे हैं। हाल ही में संजय राउत ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स कंट्रोवर्सी पर खूब बयान दिए, मगर राउत की यह आजादी जल्दी खत्म होने वाली है क्योंकि अब सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट से डंडा हुआ है, जिसके बाद न सिर्फ संजय राउत बल्कि सह आरोपी प्रवीण राउत की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने धन शोधन मामले में बड़ा फरमान सुनाया है। कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें ईडी ने धन शोधन के आरोपी सांसद संजय राउत की जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया है। जी हाँ, हाईकोर्ट ने जमानत रद्द के लिए विनती करने वाली ईडी याचिका को मंजूरी दे दी है, और हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को इस याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख भी दी है। शिवसेना नेता संजय राउत के अलावा ईडी ने सह आरोपी प्रवीण राउत की जमानत को भी चुनौती दी है, और 12 दिसंबर को संजय राउत और प्रवीण राउत दोनों की ही जमानत रद्द करने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में न्यायमूर्ति MS कार्निक की एकल पीठ ने इस मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई के समक्ष याचिका लगाई, और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने ईडी की याचिका को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि 12 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए भी दे दी। अब ईडी को पक्का विश्वास है कि कोर्ट में वो अपनी बात साबित कर देंगे, और कोर्ट में संजय राउत और प्रवीण राउत दोनों की ही जमानत को रद्द करवाकर उन्हें दोबारा जेल में डलवा देंगे। ईडी सूत्रों की माने तो उनके पास तमाम सबूत और गवाह हैं जो कि कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि इन दोनों का ही जेल से बाहर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी को जानकारी मिली है कि संजय राउत इस केस से जुड़े गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ईडी उन सभी सबूतों को कोर्ट के समक्ष पेश करने की बात भी कह रही है। यहां आपको बता दें कि विशेष अदालत ने 9 नवंबर को संजय राउत और प्रवीण राउत को जमानत दे दी थी। दोनों को मुंबई की गोरेगांव स्थित पात्राचौल पुनर्विकास से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने उसी दिन उच्च न्यायालय में अर्जी देकर जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक जारी करने का अनुरोध किया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था, मगर अब हाई कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें ईडी ने राउत की जमानत रद्द करने की मांग की है। तो अब 12 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, और सूत्रों की माने तो इसके लिए संजय राउत और प्रवीण राउत को भी पेश होना पड़ सकता है, और अगर कोर्ट दोनों की जमानत को रद्द कर देती है तो हो सकता है कि ईडी दोनों को ही कोर्ट से सीधे गिरफ्तार कर ले और जेल में डाल दे, और अगर ऐसा होता है तो ये संजय राउत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। राउत के साथ ही उनके परिवार, सपोर्टर्स और पार्टी के लिए भी ये बेहद निराश करने वाली खबर होगी। अब देखना होगा कि 12 दिसंबर को ईडी कितनी मजबूती से अपना पक्ष रख पाती है, और वहीं राउत के वकील किस तरह राउत की जमानत को जारी करने में अपना जोर लगा पाते हैं। ये सब 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान देखने को मिलेगा, और इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जान चली जाए मगर जुबान न जाए वाली प्रवृत्ति को फॉलो करते हैं। राउत को चुप रहना आता ही नहीं, और अपने शब्दों से आग ऐसी उगलते हैं कि उससे खुद का ही घर जला बैठते हैं।
तो जेल से बाहर आने के बाद राउत ने सामना पर फिर से आधिपत्य जमा लिया है और सामना में अब की बार एक ऐसा लेख लिखा है जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। अब विरोधी पार्टी का काम विरोध करना होता है, मगर विरोध की भी अपनी मर्यादा होती है। लेकिन राउत ने तो हर मर्यादा को तार तार कर दिया और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को इनडायरेक्टली नामर्द तक कह दिया। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए संजय राउत ने शिवाजी महाराज और वीर सावरकर के संबंध में बीजेपी की भूमिका को लेकर जमकर निशाना साधा है। राउत ने सामना के जरिए सवाल उठाया है कि जिस तरह का जोश बीजेपी ने वीर सावरकर के अपमान के समय दिखाया था, वैसा ही जोश छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के समय क्यों नहीं दिखाया। राउत ने कहा कि विरोध तो दूर की बात, इसके उलट बीजेपी ने तो शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली प्रवृत्ति का समर्थन किया, उसे बढ़ावा दिया। संजय राउत ने सामना में आगे लिखा कि राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज को भुलाया जा रहा है और बीजेपी इसमें पूरा योगदान अदा कर रही है। राउत ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र को अब बिना छत्रपति शिवाजी के ही कर दिया जाए। राउत ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार में बैठे लोग महाराष्ट्र को नामर्द बनाने की साजिश शुरू कर चुके हैं, उनमें खुद में तो मर्दानगी है नहीं और राज्य को भी नामर्द बनाने पर तुले हुए हैं। राउत ने आगे कहा, शिवाजी महाराज अगर नायक ना होते तो क्या आजादी की लड़ाई के लिए बाल गंगाधर तिलक ने शिव जयंती का उत्सव मनाने का फैसला किया होता। राउत ने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि तिलक ने शिवाजी महाराज और गणपति को घर से सार्वजनिक पंडाल लाने तक का काम किया, शिवाजी भवानी के नाम से ही संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ी और जीती भी, जिसके बाद ही मुंबई महाराष्ट्र को मिली। क्या शिंदे और फडणवीस ये सब मिटा देना चाहते हैं? शिवाजी महाराज की बहादुरी का इतिहास खत्म कर देना चाहते हैं? राउत ने कहा, मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, मराठी होकर अगर जो व्यक्ति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेता वो मर्द है ही नहीं, वो हमारी नजर में नामर्द है और वो पूरे महाराष्ट्र को भी नामर्द बना देना चाहते हैं। मगर हम शिवाजी महाराज की शिवसेना है, हम हमारे जीते जी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। राउत ने सीएम शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि शिवसेना पर कब्जा तो करना चाहते हो, खुद को शिव सैनिक कहते फिरते हो, तो फिर अपनी आंखों के सामने शिवाजी महाराज का अपमान कैसे होने दिया। राउत ने सामना में आगे लिखा कि मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद इस्लामी और अरब राष्ट्र ने इसका विरोध किया था तो फौरन नुपुर शर्मा को पद और पार्टी से हटा दिया गया था, मगर शिवाजी छत्रपति का अपमान करने वालों का समर्थन किया जा रहा है। बदनामी करने वालों का बाल भी बांका नहीं हुआ, वो आज भी अपने पद पर बने हुए हैं। राउत ने कहा, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी अब तक अपने पदों पर क्यों बने हुए हैं? उन्हें भी नुपुर शर्मा की तरह आईना क्यों नहीं दिखाया जा रहा?